अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार सी और डिफरेंट स्टाइल में रशियन सलाद की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत मज़े का बनता है, इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी को फुल एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आप भी जब रेसिपी ट्राई करें तो आपकी रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार सी बनकर तैयार हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिल्क पैक की क्रीम ले ली है, हाफ इसमें ऐड कर देनी है। अगर आपने ऑल्फर्स या किसी और क्रीम का यूज़ करना है तो आप किसी और क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। 3 टीस्पून अब इसमें मायोनीज की ऐड कर देनी है। 8 टीस्पून मैं इसमें शुगर ऐड कर दूंगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। शुगर हम कम ऐड करेंगे क्योंकि फ्रूट्स भी मीठे होते हैं। 6 से 7 मिनट इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। 1 अदद एप्पल ले लिया था, इसे बारीक चॉप कर लिया था, बाउल में इसे ऐड कर देना है। फ्रूट्स की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 2 अदद बनाना ले लिए थे, स्लाइसिस में कट कर लिया, वो ऐड कर दिए। थोड़े से ग्रेप्स ऐड कर दिए। 1/2 कप मैक्रोनी ले ली थी, इसे बॉईल कर लिए, मैक्रोनी ऐड कर दिए। 1/2 कप इसमें अनार ऐड कर दिए। अगर आपने कोई और फ्रूट ऐड करना है तो आप कोई और फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, या आप बॉईल किए हुए मटर या आलू भी ऐड कर सकते हैं। फ्रूट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, अब इसमें क्रीम ऐड कर दी है। 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। बहुत मज़े का रशियन सलाद जो है बनकर तैयार होता है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। मज़ेदार सा और क्रीमी सा जो है हमारा रशियन सलाद बनकर तैयार हो गया है। आप लाजमी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने रेसिपी ट्राई की और आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह अब मिलूंगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।